एक्सेल के शॉर्टकट की इस सीरीज में आप सबका स्वागत है। इस सीरीज में हम बात करेंगे एक्सेल के अंदर यूज होने वाले 11 शॉर्टकट की के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो शॉर्टकट की है वो है ओपन स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स। अगर हमें हमारे जो स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स है उसको अगर शॉर्टकट की के द्वारा ओपन करना है तो हम F7 डायरेक्ट प्रेस करेंगे। F7 प्रेस करते ही जो स्पेलिंग चेक करने का डायलॉग बॉक्स है हमारे सामने ओपन हो जाएगा। हम इस बॉक्स को ओपन करके बहुत ही जल्दी से हम स्पेल चेक कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट शॉर्टकट की के बारे में बात करें वो है ओपन थीजर्स डायलॉग बॉक्स या डिक्शनरी जो हम कहते हैं, जिसके अंदर हमें बहुत सारे वास का जो भंडार है वो मिल जाएगा। हम इसको ओपन करने के लिए तो शिफ्ट F7 प्रेस करेंगे तो हमारे सामने जो थीजर का डायलॉग बॉक्स है ओपन हो जाएगा। हम यहाँ पे कोई भी वर्ड को सर्च कर सकते हैं। जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है ओपन मैक्रो डायलॉग बॉक्स। जब हम एक्सेल में काम करते हैं तो काम करते समय अगर हमें कोई मैक्रो यूज़ करना है, मैक्रो क्रिएट करना है, तो हम शॉर्टकट की यूज़ करके उस मैक्रो डायलॉग बॉक्स को यहाँ पे ओपन कर सकते हैं और उसके अंदर काम कर सकते हैं। तो इसको ओपन करने के लिए हम ऑल्ट F8 बटन प्रेस करेंगे। ऑल्ट प्रेस करके F8 बटन प्रेस करेंगे तो हमारे सामने मैक्रो का जो डायलॉग बॉक्स है ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम मैक्रो का नाम सिलेक्ट करेंगे। नाम सिलेक्ट करने के बाद हमें क्रिएट का ऑप्शन मिल जाएगा। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने मैक्रो क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो हम यहाँ पे ऑल्ट F8 बटन प्रेस करके मैक्रो का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन कर सकते हैं। ओपन VBA एडिटर। एक्सेल के अंदर ये VBA एडिटर बहुत ज़्यादा यूज हो सकता है। अगर हम कुछ कठिन काम को बहुत इजी से करना चाहते हैं तो हम VBA का जो कोड है यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उस कोड को अप्लाई करने के लिए हम VBA का जो डायलॉग बॉक्स है उसको ओपन करना पड़ेगा। हम शॉर्टकट की ऑल्ट F11 प्रेस करेंगे तो वो डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन हो जाएगा। ऑल्ट F11 प्रेस करेंगे तो हमारे सामने जो VBA का डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। हम किस शीट के अंदर वो कोड लगाना चाहते हैं उस शीट को हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है। करके यहाँ पे हम जो VBA का जो कोड है जहाँ पे अप्लाई होगा हम वहाँ पे अप्लाई करके इसको यूज़ कर सकते हैं। जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट। अगर हमें कोई भी सेल के अंदर जो भी वैल्यू या जो टेक्स्ट हम लिखते हैं अगर उसको डुप्लीकेट करना है विदाउट कॉपी तो हम Ctrl+D को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस सेल के अंदर, मान लीजिए इस सेल के अंदर मैंने कुछ भी यहाँ पे लिख दिया है, मैंने एक वर्ड लिखा डिजिटल। अगर ये मेरा डिजिटल एक्सप्रेस जो मेरा चैनल का नाम है, आप अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इस तरह के बहुत सारे एक्सेल रिलेटेड सॉफ्टवेयर रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए आपको नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करके ऑल को प्रेस करना पड़ेगा, तो सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास बहुत ही जल्दी पहुंच जाएगा। तो हम अगर डिजिटल को कॉपी नहीं करना है तो यहाँ पे हम मैंने डिजिटल लिखा है, डिजिटल को अगर मुझे नीचे वाली सेल में डुप्लीकेट लिखना है तो हमें नीचे वाले सेल में जाके मैं Ctrl+D प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिक डिजिटल नीचे वाले सेल में आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे Ctrl+Copy-Paste करने का ज़रूरत नहीं है। जो नेक्स्ट हमारा शॉर्टकट की है वो ऑल्ट है। ये बहुत एक सिंपल शॉर्टकट की है और बहुत अच्छा शॉर्टकट की है। हम इस ऑल्ट को यूज़ करके कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी शेप को अगर हम एक्सेल के अंदर इंसर्ट करते हैं तो उस शेप को अगर हमें जो हमारे एक्सेल के अंदर जो सेल है उस सेल के अंदर अलाइन करना है तो हम ऑल्ट बटन को यूज़ कर सकते हैं। अगर उस शेप को अगर साइज़ भी बराबर करना है तो हम उसको ऑल्ट को यूज़ करके कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक दूसरा शीट यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे कोई भी इन शेप को इंसर्ट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक शेप को इंसर्ट कर दिया है। अगर इस शेप को हमें हमारे कोई भी सेल के अंदर अलाइन करना है, परफेक्टली अलाइन करना है, तो हम ऑल्ट बटन का यूज़ कर सकते हैं। जनरली क्या होता है, हम इस शेप को सिलेक्ट कर लिया, हमें इस सेल के अंदर इसको अलाइन करना है तो नहीं हो रहा है। मैं सेल को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अगर मुझे इस शेप को इस सेल के अंदर इस जो लेफ्ट टॉप कॉर्नर यहाँ पे अलाइन करना है तो हम मैन्युअली नहीं कर पा रहे। इस केस में अगर ऑल प्रेस करके इसको अलाइन करना चाहेंगे तो देखिए एग्जैक्टली जो लेफ्ट
टॉप कॉर्नर है वहाँ पे अलाइन हो गया। तो हम यहाँ पे इस ऑल को क्लिक करके इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने इसको कॉपी भी कर दिया, दूसरा मैंने शेप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया, अगर मुझे दोनों का जो साइज़ है एक साथ चेंज करना है तो हम इसको पहले दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल दबा के, इसके बाद ऑल प्रेस करके अगर हमें साइज़ को चेंज करना है तो हम एक साथ दोनों का साइज़ को जो है बराबर बराबर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये शॉर्टकट की बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है। जो हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है हाइड और शो ऑब्जेक्ट्स। कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैंने इस शीट में कोई भी एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया है, अगर हमें इसको हाइड या अनहाइड करना है तो हमें कंट्रोल 6 प्रेस करना है तो ये हाइड हो जाए। कंट्रोल 6 प्रेस करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से हाइड हो गया, फिर से कंट्रोल 6 प्रेस करेंगे तो ये अनहाइड हो जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट शॉर्टकट के है वो है ओपन मॉडिफाई सेल डायलॉग बॉक्स। अगर हमें मॉडिफाई सेल का जो डायलॉग बॉक्स है उसको डिस्प्ले करना है तो हम ऑल्ट और प्लस जो हमारा सिंगल कोट है उसको प्रेस करना पड़ेगा। ऑल प्लस सिंगल कोट प्रेस करते जो मॉडिफाई का जो डायलॉग बॉक्स है हमारे सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमें बहुत सारे जो स्टाइल देखने को मिल रहा है, जैसे कि नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फील, प्रोटेक्शन, ऐसे बहुत सारे जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करके हम हमारे स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है डिस्प्ले राइट क्लिक मेनू। ऐसे तो हम माउस बटन को यूज़ करके भी जो राइट क्लिक का जो मेनू है उसको ओपन कर सकते हैं, अगर हमें शॉर्टकट की यूज़ करना है तो शिफ्ट प्लस F10 प्रेस करेंगे। शिफ्ट प्लस F10 प्रेस करते ही जो राइट का जो डायलॉग बॉक्स है वो हमें मिल जाएगा। जो हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट के वो है डिलीट कमेंट्स। अगर हम हमारे कोई भी सेल के अंदर कमेंट अप्लाई किया है या कमेंट लगाया है, अगर उस कमेंट को हमें डिलीट करना है तो हमें शिफ्ट प्लस F10 प्लस M बटन को प्रेस करना पड़ेगा। तो पहले हम कोई भी सेल के अंदर एक कमेंट इंसर्ट कर लेते हैं, राइट क्लिक करके इंसर्ट कमेंट पे जाएंगे तो हमारे इस सेल के अंदर कमेंट इंसर्ट हो गया है। अभी हमें इस सेल से इस कमेंट को डिलीट करना है तो हम शिफ्ट प्लस F10 प्लस M बटन को प्रेस करेंगे तो ये कमेंट यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो जो हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है डिस्प्ले कंट्रोल मेनू। डिस्प्ले कंट्रोल मेनू के लिए हमें ऑल प्लस स्पेस बटन प्रेस करना पड़ेगा। ऑल प्लस स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो जो लेफ्ट टॉप कॉर्नर में हमारा डिस्प्ले का जो कंट्रोल मेनू है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम इसको रिस्टोर कर सकते हैं, मतलब हमारा जो एक्सेल का जो वर्कबुक है इसको रिस्टोर कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं और मिनिमाइज भी यहाँ से कर सकते हैं, और इस फाइल को, इस वर्कबुक को हम क्लोज भी कर सकते हैं। तो ये था 11 शॉर्टकट की जिसको हम एक्सेल में जब हम काम करेंगे तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए डिजिटल एक्सप्रेस।